हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि कंसीव होने की क्षमता सर्वाइकल म्यूकस से कैसे प्रभावित होती है। क्या सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता है तो क्या आप माँ नहीं बन सकती? और अगर बनता है तो कैसे समझेंगे आप कि वो सही बन रहा है? और कौन सा सर्वाइकल म्यूकस आपको प्रेग्नेंट होने में मदद करता है? तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको इन सभी सवालों का पूरा जवाब समझ में आ जाएगा। और अगर आप YouTube सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको डेली के अपडेट मिलते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल म्यूकस का काम क्या होता है आपके प्रेग्नेंट होने में। फ्रेंड्स, महीने के अलग अलग दिनों में महिला के शरीर से, वजाइना से, अलग अलग प्रकार का सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होता है। लेकिन हम उस खास सर्वाइकल म्यूकस की बात करेंगे जो हमें कंसीव होने में हेल्प करता है। तो वो होता है आपके महीने के बीच के दिनों में, ओविलेशन के समय पे। अब आपको ओविलेशन और सर्वाइकल म्यूकस कैसा होता है तो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें कि ओविलेशन के समय वाला सर्वाइकल म्यूकस कैसा होता है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जब कच्चा अंडा होता है उसका जो पारदर्शी सा पार्ट होता है, एक वाइट जिसको बोलते हैं, जो बिल्कुल स्टिकी होता है, ऐसे हैं फिंगर्स मिलेंगे तो एक थ्रेड जैसा बनेगा, कुछ इस तरह का होता है, तो वो सर्वाइकल म्यूकस फर्टाइल होता है। और वो करता क्या है, प्रेग्नेंट होने में हेल्प कैसे करता है, कि जब स्पर्म ओविलेशन के टाइम पे जब स्पर्म आपकी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो सर्वाइकल म्यूकस स्पर्म की गति को एड ऑन देता है, सपोर्ट करता है, जिससे कि स्पर्म अंदर तक बॉडी, यूट्रस के अंदर फेलोपियन ट्यूब तक मूवमेंट कर सके, उनको सपोर्ट करता है। और ये सपोर्ट इसलिए ताकि स्पर्म एग तक पहुँच सके। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ओविलेशन का पता नहीं होता कि आपको ओविलेशन कब हो रहा है, या फिर महीने के किन्हीं भी दिनों में आपको एग वाइट जैसा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी जैसा डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, समस्या तभी आती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वही मैं प्रमुखता से आपको समझाऊंगी कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपको ऐसा सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है, पानी जैसा जो ट्रांसपेरेंट होता है नहीं बन रहा, तब माँ नहीं बन सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसी अवस्था है, शरीर में असंतुलन हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि आप ऐसी कंडीशन में माँ नहीं बन सकती। सर्वाइकल म्यूकस स्पर्म को एड ऑन करता है, वजाइना के पीएच को ठीक करता है जो कि स्पर्म फ्रेंडली हो, लेकिन नहीं होने पे भी संभावना होती है कि आप माँ बन सके। ऐसा किन बीमारियों में होता है, किन स्थितियों में होता है, वो है पीसीओडी की कंडीशन, या हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन, या पीरियड ना आने की कंडीशन। कुछ संभावनाएँ होती हैं कि ऐसी कंडीशन में भी म्यूकस रिलीज ना होने पर भी आप माँ बन सकें। बस फर्क इतना होता है कि स्पर्म को अंदर ले जाने के लिए वजाइना से डिस्चार्ज का सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में म्यूकस आ ही नहीं रहा, तब प्रेग्नेंट होने के लिए आप क्या करेंगे, आपको म्यूकस नहीं बन रहा है जो कि फर्टाइल होता है, जो कि ओविलेशन को मार्क करता है और स्पर्म को स्पीड में हेल्प करता है, अंदर तक जाने में हेल्प करता है, तब आप ऐसी कंडीशन में कंसीव होने के लिए एक ट्रिक फॉलो करें कि ओविलेशन के समय आप स्ट्रिप से ओविलेशन को समझें, जानें। ओविलेशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं, पूरे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो एक दो पकड़ें, बेसल बॉडी टेम्परेचर पकड़ लें, बॉडी के अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं वो पकड़ लें, मूड स्विंग देखें, या फिर पेट में होने वाली क्रैम्पिंग देखें, या फिर स्ट्रिप से अपने हार्मोन्स को मॉनिटर करें और समझें। तो फ्रेंड, जैसे ही आपको पता चल जाता है किसी भी तरीके से कि हाँ अब ओवुलेशन हो सकता है, मेरी बॉडी साइन कर रही है, ऐसे कंडीशन के अंदर आप कंटिन्यू 2-3 दिन कॉन्टैक्ट रखें। भले ही आपको वो फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस नहीं आ रहा है, लेकिन जब ओवुलेशन का समय एकदम अप्रोच करता है, पीक टाइम होता है ओवुलेशन का, उस समय कॉन्टैक्ट करने से आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, क्योंकि आज के समय में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये प्रॉब्लम पीसीओडी की कंडीशन में बहुत ज़्यादा होती है, फिर सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा होती है कि टाइम टाइम से सही से म्यूकस नहीं आ रहा, माँ बनने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अप्रोच करने का तरीका आज मैंने समझाया। आपके साथ और भी प्रॉब्लम है तो चैनल को पूरी तरह से ज़रूर देखें, बहुत सारे वीडियोस हैं इन्फॉर्मेटिव, उन सबको आप देखें, समझें अपनी पोजीशन को कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, और जब आप समझ जाते हैं कि कौन सी ट्रिक आपके लिए अच्छी है, फिर आपका प्रयास पुराने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में, जल्दी मिलूंगी उपयोगी और रोचक विषय के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।